हेलो लवीज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। टाइटल थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या आज का टॉपिक होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, आई एम वेरी मच क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, क्योंकि एक नया टॉपिक है मेरे लिए एंड एक नई बात सीखने में ना तो वो एक क्यूरियासिटी आ ही जाती है। सो रिसेंटली क्या हुआ, मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे ना एक रील वहां पे दिखी। उसमें वो बता रहे थे कि आपको ना कर्ड में शुगर ऐड करके खानी नहीं चाहिए एंड आई वाज शॉक्ड, लाइक कि मतलब बचपन से अभी तक मैं वही खाती हूँ, कर्ड शुगर खाती हूँ एंड ये लोग बोल रहे हैं कि एज पर आयुर्वेदा ये गलत है, आपके लिए अच्छा नहीं होता कर्ड प्लस शुगर। सडनली ना उस टाइम पे मैंने स्क्रोल ही कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ भी बता रहे हैं आजकल लोग, कुछ भी कर रहे हैं। सो मैंने वो स्क्रोल कर दिया एंड उसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं। आई थिंक एक वीक बैक की बात है एंड सडनली आज ना मुझे एक बात याद आई जो मेरी मम्मी मुझे बताती थी, तो एज अ साइन मुझे ये बात मिली। तब मेरी मम्मी ने कहा था कि वाटरमेलन खाने के बाद में ना आपको पानी नहीं पीना चाहिए, प्लस आपको अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घर पे ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मम्मी और मैं बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि, तो मैं ना मतलब पूछती हूँ क्यों, रीजन बताओ। तो ऐसे ही मैंने मेरी मम्मी को उस टाइम पे पूछा था कि क्यों क्यों नहीं पीना चाहिए पानी, तो उन्होंने मुझे तब बताया था कि पानी ऑफकोर्स आप पियोगे तो आपको लूज मोशंस लगेंगे वाटरमेलन पे, दैट्स नॉर्मल। सेकेंडरी अगर आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते ना तो वो आपके बॉडी में एक पॉइजन की तरह काम करता है। तो ऐसे कुछ मैंने ढूंढ निकाले हैं फूड आइटम जो मैं जल्दी आप लोगों को अभी बता देती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फूड कॉम्बिनेशन जो हमें अवॉइड करना है, दैट इज चीज विथ एग्स, मिल्क एंड फ्रूट्स। ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि कुछ भी एग सैंडविच बना दिया है या फिर एग ऑमलेट के ऊपर चीज डाल के खाते हैं, ये नॉर्मल है। बट एज पर आयुर्वेदा हमें चीज एंड एग को नहीं मिक्स करके खाना है। मिल्क एंड चीज का भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, मैं सोच रही हूँ, आई डोंट नो, बट एज पर आयुर्वेदा ये गलत है, इसको ऐसे आपको नहीं खाना है। फ्रूट्स के साथ भी आपको चीज को मिक्स करके नहीं खाना है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मतलब मुझे पता ही नहीं थी कि हमें इस फूड का भी कॉम्बिनेशन नहीं खाना होता है, दैट इज मिल्क एंड बनाना या फिर मिल्क एंड एनी फ्रूट। दैट्स आई थिंक माय फेवरेट फूड कॉम्बिनेशन एंड मतलब मुझे, मैं अभी तक सोच रही हूँ कि इज इट रियली ट्रू कि हमको मिल्क एंड बनाना मिक्स करके नहीं खाना होता, बट एज पर आयुर्वेदा ये हमारे हेल्थ के लिए मतलब एक रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए देखा कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता है ना, आपको कोल्ड हो सकता है या फिर साइनस की प्रॉब्लम्स हो सकती है एज पर आयुर्वेदा, इसीलिए आप लोगों को मिल्क विथ बनाना आपको कंज्यूम नहीं करना होता है। ग्रेन्स शुड नॉट बी कंज्यूम्ड विथ फ्रूट्स। ग्रेन्स मीन्स, मैं आप लोगों को थोड़ा डीपली बताना चाहूंगी, ग्रेन्स में आते हैं ओट्स, बार्ली, वीट, राइस, तो इन सब के साथ आप लोगों को फ्रूट्स को कंज्यूम नहीं करना होता है। देन द नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन इज योगर्ट विथ एग्स, मिल्क, चीज। तो योगर्ट आप लोगों को वैसे ही प्लेन ही खाना है, उसको आप लोगों को मिल्क के साथ फिश, एग्स, चीज, इनके साथ आप लोगों को इसको कॉम्बिनेशन करके बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। द नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन जो हमको अवॉइड करना है, दैट इज पोटैटो एंड टोमेटोज। हम लोगों को क्यूम्बर के साथ, मेलन के साथ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ हम लोगों को इसको ऐड करके नहीं खाना है। ये पॉइंट्स देख के ना मुझे तो यही लग रहा है कि मैं जिंदगी भर कोई रॉन्ग कॉम्बिनेशन ही खा रही हूँ, क्योंकि दही शक्कर मेरा फेवरेट है, बनाना मिल्क भी मेरा फेवरेट है, अभी आया हमारे टोमेटो, क्यूम्बर और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है हमारा कर्ड, तो हम लोग रायता किसका बनाते हैं यार, इसमें आता है कर्ड, अनियन, टोमेटो, क्यूक्यूम्बर। बट एज पर आयुर्वेदा ये फूड आइटम्स जो है ना वो कॉम्बिनेशंस इनके गलत है, क्योंकि ये कंपैटिबल नहीं है, ऐसा बोला है उन्होंने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन जो हमें अवॉइड करना है, दैट इज लेमन के साथ हमें मिल्क, योगर्ट, क्यूक्यूम्बर एंड टमेटोज, इनको हमें पेयर करके या फिर कॉम्बिनेशन इनका करके हमको नहीं खाना चाहिए। ऑफकोर्स हमको लेमन एंड मिल्क तो कॉम्बिनेशन करके हम लोग खाते ही नहीं है, योगर्ट के साथ भी मैंने कभी सुना नहीं है, मैंने नहीं सुना है कभी, एंड टमेटोज के साथ भी मैंने नहीं सुना है, क्यूक्यूम्बर के साथ भी मैंने सुना नहीं है कि लेमन आप लोग उसके ऊपर डाल के खाओगे। तो आई थिंक ये पॉइंट थोड़ा सा डिसेंट है एंड ये वैलिड मुझे लगता है। सो इतने पॉइंट बताने के बाद में अभी हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं एंड आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को भी कुछ सीखने मिला होगा मेरे साथ ही, क्योंकि मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन न्यू ही थी जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद है, शायद आप लोग भी सुनने के बाद में आपका रिएक्शन भी ऐसा ही हो जैसा मेरा था यार, कि
क्या ये फूड आइटम हमें नहीं खाना चाहिए? जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली उतनी ही मैंने शेयर की है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ आयुर्वेदा की। एंड आई थिंक मुझे आज ऐसा लग रहा है ना कि हमें आयुर्वेद के बारे में सच में इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आयुर्वेद के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो डेफिनेटली सून अगर मैं उसके ऊपर स्टडी करती हूँ तो और भी ज्यादा रेमिडीज एंड और भी ज्यादा चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।